तक एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान हमारे साथ हैं। सर, जो घटना हुई विशाखापट्टनम की, कहीं ना कहीं काफ़ी दर्दनाक घटना है, काफ़ी लोगों की इसमें जाने भी जा चुकी हैं। अगर हम लेटेस्ट अगर फिगर की बात करें तो अभी कितना आपको पता चला है? अभी जो कमांडेंट ने वहाँ से ग्राउंड से खबर दी है वो 11 का है, 11 डेथ का है, लेकिन इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से लोकल प्रशासन करेगा, उसके बाद इसको आधिकारिक फिगर माना जाएगा। लेकिन जो हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट ने दिया है वो 11 का है। बाकी और जो हम लोगों का इवैक्यूएशन का काम है वो चल रहा है, और जैसा कि मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एनडीआरएफ वहाँ बनी रहेगी जब तक हमारी ज़रूरत है। क्रिटिकली इल का क्या फिगर है अगर आप बता सकें? क्रिटिकल ईल का फिगर 20 के आसपास बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग स्टेबल हैं ये भी बताया गया। एक सवाल ये सर कि अगर इवैक्यूएशन पूरा प्रोसेस की बात करें, जो हुआ इंसिडेंट जो हुआ, कहीं ना कहीं रात को हुआ, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि थोड़ा जल्दी पता चलता तो जल्दी इसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आराम से हो पाता? देखिए, मुझे लगता है कि गाँव वालों ने बहुत समय पर ही खबर दी है, और समय पर ही जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो गया था। लोकल पुलिस, लोकल फायर सर्विसेज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पहुँच गए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब उन्होंने ये देखा कि गैस लीकेज की स्थिति को हैंडल करने के लिए और कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने एनडीआरएफ को 5:30 के आसपास इत्तला दी, और हम लोग 6 बजे के आसपास वहाँ पहुँच चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने गैस लीकेज के सिचुएशन को भी देखा और इवैक्यूएशन में भी मदद की। अभी कितनी टीम्स एनडीआरएफ की डिप्लॉयड है सर वहाँ पे? एनडीआरएफ की एक ही टीम वहाँ रहती है, और वो टीम मल्टीपल सब टीम्स से जुड़ी हुई है, और जो सब टीम्स हैं वो अपने आप में रोटेटिंग टीम्स होती हैं, रोलिंग टीम्स होती हैं। वो एक बार कैंपस के अंदर जाती है तो दूसरी टीम तैयारी करती है, फिर वो बाहर आती है तो तीसरी टीम जाती है। तो ये रोलिंग वे में हम लोग काम करते हैं, इवैक्यूएशन का भी और हैंडलिंग ऑफ द लीकेज का। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये है कि जो टीम अंदर जा रही है उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, वो कैसे, वो गैस जो है काफ़ी डेंजरस है, वो सिचुएशन को कैसे डील करते हुए अंदर काम कर रहे हैं? देखिए, एनडीआरएफ की सिखलाई ही है कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर टीम बने और वो इसके बारे में सारी जानकारी रखते हैं और सारी सिखलाई ट्रेनिंग रखते हैं, तो इसलिए, और सारे इक्विपमेंट भी उनके पास हैं, तो वो इक्विपमेंट पहनकर और उसी से सुसज्जित होकर वो लोग अंदर जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, रोलिंग वे में जाते हैं, 5 की टीम अंदर जाती है पूरी सूट के साथ, गैस सिलेंडर के साथ, और उस सिचुएशन को हैंडल करती है, और जब गैस सिलेंडर कम होने लगता है तो फ्रेश नई टीम दूसरी जाती है। तो ये रोलिंग वे में करने से हम लोग एफिशिएंटली काम करते हैं, और ये प्रोफेशनल तरीका है। और मैं बताना चाहूँगा कि एनडीआरएफ विश्व का एक ऐसा फोर्स है जिसमें हर तरह का वर्टिकल हर टीम में होता है। वाटर रेस्क्यू भी वही लोग करते हैं, केमिकल रेस्क्यू भी वही लोग करते हैं, अल्टीट्यूड रेस्क्यू भी वही लोग करते हैं, और कोलैप्स स्ट्रक्चर से भी रेस्क्यू वही लोग करते हैं। तो ये एक्सपर्टीज़ होने के चलते, और मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स की भी एक्सपर्टीज़ होने के चलते, ये एक कम्प्लीट टीम है। और आपके माध्यम से मैं वहाँ के स्थानीय लोगों को एश्योर करना चाहूँगा कि एनडीआरएफ वहाँ बनी रहेगी जब तक सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाए। मैं लूँगा सर कि आपकी प्रधानमंत्री जी से भी मीटिंग हुई, उसमें बातचीत भी हुई, अभी का क्या डेवलपमेंट और क्या क्या बातचीत हुई सर उस मीटिंग? देखिए, उस मीटिंग में मैं तो नहीं था, लेकिन जो मुझे या एनडीआरएफ को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैबिनेट सचिव महोदय ने इसके बाद मीटिंग की, और वहाँ दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट दिए गए कि लगातार वहाँ पर बने रहना है और स्थानीय प्रशासन को मदद करना है। और जो टीम जैसे जा रही है, एक्सपर्ट की टीम, एनडीआरएफ की एक्सपर्ट टीम जा रही है, वहाँ जाके एकजुट होकर स्थानीय प्रशासन से मिलकर और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में अच्छे से उसको पूरी तरह के सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के बाद ही वहाँ से हटना।